के हित पूरे करेंगे संसद में। ये भारतीय लोकतंत्र की वो सच्चाई है जो हमारे समाज की सबसे बड़ी शिकायत है। शायद यही वजह है कि हर नेता इस लोकसभा चुनाव में सेवक बनने का दावा कर रहा है। नागौर से बीएसपी प्रत्याशी अब्दुल अजीज गैसावत, डॉक्टर अशरफ अली शेख के साथ अंडरकवर रिपोर्टर्स की बातचीत नागौर के सियासी हालात से होते हुए बीएसपी प्रत्याशी गैसावत के डमी उम्मीदवार बनने पर जा रुकी। नंबर वन कौन चल रहा है नागौर से जीतने में? नंबर वन ज्योति रेड्डी। कांग्रेस नंबर टू? नंबर टू में तुम्हारी आदमी आ सकता। बीजेपी सपा? सपा वो तो नहीं वहाँ। आम आदमी पार्टी? नहीं नहीं। बसपा? बसपा है। बसपा से आप हैं? आप बताओ कौन सी डील मंजूर है आपको? देखिए, काम करना अलग की बात है। जब हम काम करेंगे तो जीत के आएंगे, तो कॉरपोरेट घराने के लिए कोई काम होगा तो करने के लिए ऐसा थोड़ी मना नहीं किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो डील होगी वो यही होगी कि ये चुनाव लड़ेंगे अपनी पूरी ताकत के साथ, और इनके चुनाव लड़ने से कांग्रेस हार जाएगी, ज्योति मिर्जा की वोट कटेगा। सीधी सीधी सी बात तो ये है, वो हार जाएगी जो है, उसके लिए काम करेंगे। उसके अलावा कोई आप काम चाहते हैं तो बता दो आप। देखा और सुना आपने कि अब्दुल अजीज गैसावत खुद को चुनाव में नंबर दो मान रहे हैं। उनका दावा है कि कांग्रेस की ज्योति मिर्धा की हार जीत का मुकाबला उनके साथ होगा। मुस्लिम वोटों के ठेकेदार भी बन रहे हैं, पर वे इतनी अच्छी हालत के बावजूद चुनाव में अपनी कैफियत महज वोट काटने वाले तक सीमित कर देने को तैयार है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भले ही बीजेपी को पानी पी पी कर कोसती हूं, पर उनकी पार्टी का प्रत्याशी कांग्रेस के मुस्लिम वोट काटकर बीजेपी को जिताने में मददगार साबित होने को तैयार है। ये है चुनाव में पैसे का खेल, ये है असली राजनीति जो आम आदमी समझ नहीं पाता। अब्दुल अजीज गैसावत अपने नाम पर मिली चुनावी सुविधाओं को दूसरे प्रत्याशी को देने के लिए भी तैयार हो गए। हमारे जो काम है ना, वो एजेंट है, वो कुछ साइलेंट रहेंगे, उसका काम कर लेंगे, तुम्हारा कर देंगे, वो खामोश रहेंगे, जो वोट डालने डाल देंगे, साइलेंट रहेंगे। गाड़ियाँ हमें देनी पड़ेगी? नहीं नहीं, आप नहीं देंगे, समझ नहीं पा रहे। आप बताओ। नहीं, गाड़ियाँ आपने अपने नाम से परमिशन ली, आपको खर्च करना नहीं चला। उस आदमी चाहता है मैं 10 करोड़ का खर्च करूँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन की पाबंदी 70 लाख का खर्चा। मकसद ये है कि 10 गाड़ियाँ लेकर आते हैं, यूज़ वो कर रहे हैं, उसे पेमेंट उनको करनी, काम उनको करना, आपके मतलब वह खर्च होगा आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा। आप क्या होना कौन से करना है? आपसे हमें गाड़ी में मदद हो गई, पैसों में हो गई, पोलिंग एजेंट में हो गई, और जो काउंटिंग एजेंट है उनमें, चारों में हो गई। दूसरी मदद मुसलमानों के वोट काटने हैं, वो तो जब लड़ेंगे अपने आप ही कटेंगे। वो तो मैं चैलेंज के साथ कहूँ आपको कि 1 लाख से 2 लाख रुपये वोट काटूँ, मतलब ये इस तरह की मुस्लिम वोट? हाँ मुस्लिम वोट। क्या कद्दावर नेता आपने वहाँ के 1 लाख से 2 लाख? जी हाँ, अगर नहीं आए तो आप मुझसे कह देना कि नहीं आए। यहां तक साफ हो चुका है कि बीएसपी के प्रत्याशी अब्दुल अजीज गैसावत डमी कैंडिडेट बनने को तैयार हैं। वे कांग्रेस के वोट काटने को तैयार हैं। इतना ही नहीं, प्रत्याशी होने के नाते चुनाव लड़ने की जो सुविधाएं उन्हें चुनाव आयोग ने दी हैं, वे भी दूसरे प्रत्याशी को देने के लिए तैयार हैं। ऐसे में भला चुनाव बराबरी का कैसे हो सकता है? चुनाव आयोग को इस बात पर गौर करना चाहिए। अब्दुल अजीज गैसावत ने अपना रुतबा दिखाने के लिए एक और बड़ा दावा किया। उसने कहा कि वो राजस्थान के एक लोकसभा चुनाव में बीजेपी के भैरव सिंह शेखावत के लिए भी वोट कटवाने का काम कर चुका है। भैरव सिंह शेखावत जब थे ना सीएम, तो उन्होंने ये कहा कि मेरी सीट ड्रॉप कैसे? आपसे कहा? नहीं, हमारे लोग जब बोल रहे चौधरी साहब, वो मंदिरों में थे,
उन्होंने कहा कि हमारी ट्रेन निकला वो या तो टिकट ले लीजिए आप बीजेपी का, तो हमने कहा नहीं बीजेपी का टिकट इधर नहीं, हाँ ये है तुम्हारी सीट निकलो, मूलचंद आ गया शेड्यूल कास्ट उनको खड़ा कर दिया नागौर से। हाँ तो तुमने 1.25 लाख 1.5 लाख वोट कटवा दिए मुस्लिम की वोट दिलवा दी, मुस्लिम वोट उनको मिले मूलचंद आ रहे तो जीत गया बीजेपी का, जीत गया। कौन जीता था बीजेपी? बीजेपी का वो था डांसा था और रामनिवास मृदा से जीता था। विधानसभा चुनाव की बात है लोकसभा? इस दावे की सच्चाई जानने के लिए न्यूज एक्सप्रेस की टीम ने 2004 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े खंगाले तो पता चला कि 2004 में बीजेपी के भंवर सिंह डांगवास 45% वोट पाकर चुनाव जीते थे, हारने वाले कांग्रेस के राम रघुनाथ को 33% वोट मिले थे। इन दोनों के बीच जीत का अंतर था करीब 70,000 वोट का। यहां से मूलचंद नाम के बीएसपी प्रत्याशी खड़े हुए थे जिन्हें करीब 1.25 लाख वोट मिले थे। अब्दुल प्रत्याशियों के नाम भले गलत ले रहे हैं पर नतीजे सही बता रहे हैं और कांग्रेस की हार की वजह बीएसपी का प्रत्याशी ही समझ में आ रहा है। राजस्थान में कांग्रेस इस समीकरण का खतरा बखूबी समझती है। सबूत अब्दुल की एक बातचीत से और मिलता है। मैं प्रदेश संयोजक भी रहा हूँ अभी भी राजस्थान बसपा का। मैं बहुत अभी पूरे राजस्थान में घुमा सकता हूँ तुम्हारे बोले, पूरे राजस्थान में घुमा सकता हूँ। झुंझुनू सीट दिलवाई मैंने बसपा की, जयपुर में सीट दिलवाई मैंने बसपा जी, और तुम्हारे चूरू सीट दिलवाई मैंने सीकर, सॉरी सीकर झुंझुनू सीकर झुंझुनू जयपुर नागौर, अब अलवर की वोट लगाई। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीएसपी? अलवर में लड़ रही, पूरे पे पूरे अच्छे से। अलवर का हो गया होगा? नहीं हुआ अभी, तो नॉमिनेशन हो गया होगा? नहीं हुआ अभी, नहीं अभी वो फजल को चलवा दिया, फजल बैठ गया कांग्रेस के फेवर, फजल बैठ गया कांग्रेस के फेवर में चला गया। कौन? फजल। फजल कहाँ आए? कहाँ से? अलवर से। अलवर का बसपा के टिकट से इतनी जल्दी बैठ गया? उन्होंने कहा मैं नहीं लड़ूँ तो अब दूसरा मुस्लिम देख रहा। वैसे वैसे ले लिया कांग्रेस पूरे राजस्थान हो गया। बेहद बड़ी बात, अलवर से कांग्रेस के समर्थन में बीएसपी का प्रत्याशी बैठ गया है। अलवर से कांग्रेस के टिकट पर केंद्रीय मंत्री भंवर जीतेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। भंवर जीतेंद्र सिंह राहुल के बेहद करीबी माने जाते हैं और युवा मामलों के खेल मंत्रालय का जिम्मा संभालते हैं। इन्हें कांग्रेस का आने वाला कल माना जाता है। इनके बारे में दावा किया गया है कि भंवर जीतेंद्र सिंह को चुनाव जिताने के लिए बीएसपी का प्रत्याशी सीट छोड़ गया है। सुनिए बातचीत का वो हिस्सा फिर जिसमें बीएसपी के प्रदेश संयोजक अब्दुल अजीज गैसावत ने ये दावा किया है। कितनी जल्दी बैठ गया? उन्होंने कहा मैं नहीं लड़ूँ तो अब दूसरा मुस्लिम देख रहा। वैसे वैसे ले लिया कांग्रेस पूरे राजस्थान हो गया बचा नहीं है। इतना ही नहीं, 2014 लोकसभा के लिए बेहद अहम बात सामने आ रही है। कांग्रेस जीत के लिए बीएसपी प्रत्याशियों को अपने पक्ष में बिठा रही है। शेख का दावा है कि ये फॉर्मूला ऊपर से बना है और पूरे राजस्थान में ऐसा हो सकता है। ये चुनावी जीत का वो तिकड़म है जो ऊपर से दिखने वाली राजनीति में कभी सामने नहीं आ पाता, पर न्यूज एक्सप्रेस का ऑपरेशन लोकसभा देश के मतदाताओं के सामने चुनावों की असली राजनीति रख रहा है। आगे हुई बातचीत में बीएसपी के राजस्थान संयोजक और नागौर से प्रत्याशी अब्दुल अजीज गैसावत ने दावा किया कि वे राजस्थान की झुंझुनू सीकर अलवर और जयपुर सीट पर भी बीएसपी के प्रत्याशियों से डील करवा सकता है।
चारों पे भी आप करा देंगे? इसका मैं करवा सकता हूँ आपका, ये बता रहा हूँ। चारों सीट हो गए? हाँ बिल्कुल, यही काम जो आपका आपसे हम ले रहे हैं। मुस्लिम मैं जाके वहाँ पर इसमें कर दूँगा तो मुस्लिम वोट करवा दूँगा मुसलमानों के, तुम्हारा कैंडिडेट अगर ताकतवर होगा निकल जाए। तुम्हें तो यही चाहिए ना कि मुस्लिम वोट रोकने के लिए, और क्या चाहिए? चुनाव वाली सुविधाएं कुछ नहीं है, चुनाव आयोग वाली भी सुविधाएं भी चाहिए उनको, दोनों हैं। मैं उन लोगों से बात नहीं कर सकता ये चुनाव आयोग की बात, क्योंकि वो कहेंगे कि ये हमें देख रहे थे, उनके सामने भी बात कर सकता। मैं तो इन शेख साथ में जैसे मैं अपना भी कर लिया बात। इसलिए वो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। उनकी मैं ये कर सकता हूँ कि वोट तोड़वाने की कोशिश, मुस्लिम वोट दिलवाने की कोशिश करो, वोट मिलेंगे और जीत गए तो फिर जीतने वाला कोई नहीं इसमें, जीतने वाला नहीं है। अब्दुल भी डमी कैंडिडेट बनाने का काम चोरी छिपे करता है, यानी प्रत्याशी को पता नहीं रहता, पर बड़ा नेता होने के नाते वो ऐसा खेल खेल सकता है कि प्रत्याशी चुनाव लड़ते लड़ते हार जाता है, उसका वोट विरोधी की जीत में सहायक हो जाता है। अब्दुल अजीज गैसावत ने एक और दावा किया, वो ये कि मायावती की रैली कराने के लिए 25 लाख रुपए जमा कराने होते हैं, हेलीकॉप्टर का खर्च भरना होता है। इसके अलावा रैली में लोगों को लाने ले जाने और खिलाने पिलाने का इंतजाम का खर्च अलग होता है। मायावती जी को वो ऐसे थोड़ी आती है, कितना होगा हेलीकॉप्टर खर्चा? मुझसे तो प्रभारी मुझे कहा था 25 लाख। मायावती लेती है? लेती है, क्योंकि इतना खर्चा आ जाएगा तो मायावती खुद लेती है 25 लाख रुपये वो ले लेते हैं, प्रभारी वगैरह जमा करवा लेते हैं पहले मायावती के आने से पहले। हाँ आने से पहले। और रैली का खर्चा अलग होगा? रैली का भी होगा तो हो जाएगा, तो मतलब टोटल 50 लाख हो जाएगा, तो हो जाएंगे उसके आने में। 70 लाख की अधिकतम खर्च सीमा का सच चुनाव आयोग इस बातचीत में देख सकता है, जहां एक रैली करवाने में उम्मीदवार का 50 लाख से ज्यादा खर्च होता है, तो समझिए पूरे चुनाव में कितना पैसा लगता होगा, और उस पर भी जीत की गारंटी नहीं। शायद यही वजह है कि बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी को जैसे ही अपनी हालत कमजोर लगती है तो वे गैर कानूनी करार में उलझ जाते हैं। हमें वहाँ नागौर में कांग्रेस को हरवाना है। कांग्रेस को इसी सूरत में हारेगी, इसके अलावा उसे हराने वाला नहीं, ये बता दूंगा उसको हराने वाला। पैसे बताओ फिर, पैसे तो एक अमाउंट फाइनल कर दो ना जल्दी से। अभी तो आप बैठे हैं, आप लोग देख लीजिएगा क्या करना है क्या नहीं करना। आपने 50 लाख से 1 करोड़ बोला, 1 करोड़ करा लेते। अब जैसे जैसे मायावती आ जाएगी 1.5 करोड़ करवा देगा, 1.5-2 करोड़ जैसे 2 करोड़ तक। अब्दुल अजीज गैसावत से 2 करोड़ में डील पक्की हो चुकी है। अब्दुल अजीज गैसावत 2 करोड़ रुपए में कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने के लिए अपनी उम्मीदवारी को डमी करने के लिए तैयार हैं। पेमेंट दिल्ली में लोगे या नहीं? पेमेंट तो मैं दिल्ली में कहीं नहीं लूंगा, तुम तो कैसे भी पहुंचा दो, मैं भी हाथ में लूंगा पेमेंट, ये बताऊंगा तो कौन लेगा पेमेंट? मैं किसी को दे दूंगा, किसी पेमेंट नहीं कहीं लफड़ा पड़ जाए सा मेरा जिंदगी खत्म हो जाए, और थोड़ी भनक लगी नहीं और फिर तो तुम्हारे कैंडिडेट निकलेगा नहीं और मेरी बेटी तो लगेगी नहीं। अगर थोड़ी भनक लग जाए तो फिर वो किंग और अंतर तो उसको कोई हराने वाला नहीं है। मेरा 4 आदमी से 5 लोग को मालूम पड़ते हुए सारा बात खुलेगी, हराने का खुलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं खुलेगा इसलिए मैंने मना किया था कि किसी और को साथ मत लेना। हाँ तो 2 में डन कर देते हैं शेख साहब, ठीक है 2 करोड़ 2 में कर लीजिएगा, फिर कोई अगर 9 बताएगी कोई 10-5 लाख की तो देख लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसमें तुम्हारा खेल खेला ये खेल खेला। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। और
सारा पेमेंट कैश में होगा? कैश में देता मुझे क्या जरूरत है, मैं चेक से तुम चले लगे। पर इस बातचीत के बाद न्यूज एक्सप्रेस अंडरकवर और अब्दुल अजीज गैसावत की मुलाकात करवा रहे डॉक्टर अशरफ अली शेख ने पूरा पैसा नकद में लेने की डील करवाई और इसके साथ ही हमारी मुलाकात खत्म हो गई। पर अब्दुल अजीज गैसावत की बातचीत की जो बड़ी बातें सामने आईं, वे बेहद चौंकाने वाली रहीं। नागौर से बीएसपी का प्रत्याशी डमी बनने को तैयार है। डमी बनने के लिए उसे 2 करोड़ रुपए चाहिए। जयपुर, झुंझुनू, अलवर और सीकर के बीएसपी प्रत्याशियों को डमी बनवाने का दावा। राजस्थान के अलवर में कांग्रेस ने बीएसपी प्रत्याशी को अपने समर्थन में बिठाया है। पूरे राजस्थान में कांग्रेस और बीएसपी के बीच छिपा करार हो सकता है। मायावती की एक रैली में आने की फीस 25 लाख रुपए है। दिल्ली से न्यूज एक्सप्रेस के लिए जमशेद खान के साथ सुशांत पाठक की रिपोर्ट।